आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को एक बार फिर से घेरा है। उनका कहना है कि भाजपा अब दिल्ली को कूड़ा घर बनाने के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली में कूड़े पर सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है, जहां एक ओर बीते गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कूड़े के पहाड़ को लेकर सीएम केजरीवाल के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया, तो इसका जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में अपना आक्रोश व्यक्त किया। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कूड़े के ढेर के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रकट किया। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में भी देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक मुकेश अहलावत के नेतृत्व में एकजुट हुए आप कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर के माध्यम से कूड़े के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आप विधायक मुकेश अहलावत ने भाजपा के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कूड़े का ढेर लगाने की योजना बना रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बन रहे कूड़े के ढेर के खिलाफ यह मोर्चा खोला है। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। मेरा नाम अरविंद गौतम है, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 43 है, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा और गांव सुल्तानपुर माजरा का वासी हूँ। आज ये जो ये MCD का एक बहुत ज्यादा गलत निर्णय है, जो कि वो 3 जगह कूड़े के ढेर भरवा चुकी है, जैसे कि अपना भलासुआ में निकलवा चुकी है, गाजीपुर में निकलवा चुकी है, अब वो 16 जगह और कूड़े के ढेर बनाना जा रही है, तो उससे जो है बड़ी बीमारियों का फैलने का आशंका रहती है। और ये पूरा घना क्षेत्र है जो कि यहाँ पर आना बहुत ही गलत है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये कूड़े के ढेर पूरी दिल्ली में कहीं भी ना बने। देखो जैसे कि कल उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी मेरे निगम पार्षद हैं मैं उनको टिकट नहीं देंगे हम, तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी भ्रष्ट है। उनको पता है कि हमारे जितने भी निगम पार्षद है वो सब भ्रष्ट है, और इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि बीजेपी क्या है। मेरा नाम मनोज माथुर है और मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ ऑटो संगठन के अंदर। मनोज जी, जिस तरीके से कूड़े को लेकर के जगह जगह विरोध प्रदर्शन है, ये भाजपा हम इसको चुनावी रणनीति नहीं कहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है पिछले कई वर्षों से जो है परेशान है कूड़े को लेकर। जब हम दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कूड़े का पहाड़ हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, लोग पहचान जाते हैं कि हम दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इससे हमारी जो छवि है वो बहुत ही खराब हो रही है। हम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे स्कूल अच्छे करने हैं, बीजेपी कहती है हमें कूड़े का पहाड़ बनाना है। स्कूल जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें मोहल्ला क्लिनिक बनाना है, हॉस्पिटल अच्छे करने हैं, तो बीजेपी वाले बोलते हैं हमें कूड़े का पहाड़ बनाना है। जब अरविंद केजरीवाल जी लोगों को अच्छी सुविधाएं देने की बात करते हैं तो बीजेपी वाले कूड़े की बात करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जो है वो विकास की राह पर चलते हैं और बीजेपी वालों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा भरा हुआ है। मैं ज्यादा ना कहते हैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर अभी भी ये नहीं सुधरे तो आने वाले निगम चुनाव में जो दिल्ली की जनता है वो इनको कूड़े के ढेर पर ही पहुंचा देगी और भाजपा आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम रमेश ढाका है, मैं उत्तर पश्चिमी लोकसभा का उपाध्यक्ष हूँ SC विंग का। कूड़े को लेकर के राजनीति देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये राजनीति नहीं हो रही है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हमारे आने वाले, अभी भी है वर्तमान में और आने वाले जीवन में तो बहुत ही भयंकर होने वाली है। जिस प्रकार ये हमारे दिल्ली को कूड़ा का एक ढेर बना दिया है, जो बीजेपी शासित 15 साल से MCD के अंदर बीजेपी शासित MCD ने पूरा दिल्ली को हर जगह कूड़ा कूड़ा कराया, काम करते नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना भ्रष्टाचार का
ये कूड़े के पहाड़ बना दिए जो दिल्ली के हर एंट्रेंस पे आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली के अंदर आपको 3 कूड़े के पहाड़ मिलते हैं, जो कि पहले गाजीपुर में है, जो कि कल हमारे अरविंद जी ने उसके ऊपर उसका विरोध जताया है, पुरजोर विरोध जताया, आम आदमी पार्टी उसका पुरजोर विरोध कर रही है। गाजीपुर हो गया, बलसुआ हो गया और हमारा ओखला, ये 3 जगह पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हुए हैं कूड़े के, जिसके कारण कई किलोमीटर तक वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया। विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैली हुई है, जिसके कारण से लोगों को कैंसर जैसी एक लाइलाज बीमारी तक हो रही है। तो ये जो रेगुलर कूड़े की समस्या हो रही है, इसका हम समाधान चाहते हैं। अब जो बीजेपी चाहती है, हर विधानसभा में इस प्रकार के डंपिंग ग्राउंड बना दिया जाए, जिससे कि वहां पर, मेरा मानना है कि हर विधानसभा में कूड़ा बहुत ज्यादा होने के कारण डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाएगा और प्रदूषण रहेगा, यही हमारा कहना है। सर, एक तरफ जहां वीरवार को भाजपा का प्रदर्शन देखने को मिला कूड़े को लेकर के, आज दिल्ली के तमाम विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे कि कूड़े को लेकर राजनीति किस तरह से जा रही है? ऐसा जो 3 कूड़े के पहाड़ बना रखे पूरी दिल्ली में, जहां पर बलसपा में है और आपके इधर ओखला में है और एक गाजीपुर में है, 3 जगह है, उनको बीजेपी की ये नीति है कि हम कूड़े के पहाड़ को निकाल कम करने करके और हर विधानसभा में एक कूड़े का अलग से पहाड़ बना देंगे, वो इकट्ठा कराएंगे। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन दूसरे भी हैं, है ना। तो उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है एमसीडी वालों के पास, लेकिन केजरीवाल जी के पास प्लानिंग है कि हम इस कूड़े के पहाड़ को, कूड़े को ख़त्म कर सकते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उसे बायोगैस बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। अभी हमने दिल्ली सरकार ने एमसीडी को ये वो भी दिए, हमने मशीनें लगवाई है जिससे कूड़े वहाँ पर ख़त्म किए जाते हैं और उससे बायोगैस या प्लांट बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वो कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास कोई भी प्लानिंग नहीं, 15 साल से बीजेपी यहाँ पर रही है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से निगम चुनाव की आहट तेज हो गई, तो क्या इस चुनाव को लेकर के ये राजनीति तेज हो रही है? ऐसा है कि देखो, ये तो है नहीं, लेकिन अभी हमें कुछ पता चले थी जानकारी कि कूड़े के पहाड़ हटा के हर विधानसभा में ये अलग अलग से कूड़े इकट्ठा वहाँ पर कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी इस विधानसभा में इस वाले एरिया में बना रहे, यहाँ पर हमारा पहले यहाँ पर हम खुशहाली पार्क बनाना सोच रहे थे, वहाँ पर वो रोक के ये यहाँ पर कूड़े का पहाड़ बनाएंगे, तो इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। फरुखाबाद